तहसीलदार मंजाकोट, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मंजाकोट एंड अदर एस्टीम्ड पर्सनालिटीज। टुडे आई देवत अजीम फ्रॉम इंटरनेशनल स्कूल मंजाकोट इज गोइंग टू स्पीक रिगार्डिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चेंज योर माइंड सन एंड डॉटर्स आर द सेम, गर्ल्स आर एंजल्स, सेव देम। द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज अ जॉइंट इनिशिएटिव मेड बाय थ्री गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज of India. The scheme was inaugurated by the Prime Minister of India, Narendra Modi, on January 22, 2015. This scheme was initiated in the state of Haryana due to the lowest female sex ratio, 7.75 per 1,000, and now has effectively applied in all states across the country. Beti Bachao Beti Padhao Yojana is a scheme that aims to educate girl children all across the country and protects them from ill health. Daughters are precious and it takes a lot of time for some parents to realize the same. This scheme is to make people aware of the importance of girl child in the Indian society, as well as bring some positive change in the people mindset towards girl child. Thank you. Fasal Khan. रूसिया क्रूज आगे देखो क्या ब्रेक तो ब्रेक। ब्लड डोनेट कैंप जो इधर ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इनके साथ मिलकर इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी, इनके साथ कुछ जवान हैं वो भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं, पर सेना के जवान काफ़ी जो हैं तहदाद में अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ब्लड GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी गुलाम अली शाह के सर की तरफ से भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन जवानों के जो हमें हर वक्त मुसीबत के वक्त काम आते हैं, और आज इनके काफ़ी तादाद में जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मेरी लोगों से यही हमेशा अपील रहेगी कि जितना भी हो सके ब्लड डोनेट किया करो, इससे आए दिन जितने भी काफ़ी जो हैं डिजीज़ जो हैं बीमारी हैं वो ब्लड डोनेट करने से कम होती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन इन दिनों काफ़ी चल रहा है, डायबिटीज़ चल रही है, कैंसर इन दिनों बहुत ही ज़्यादा एक उभर के आ रहा है, और जो भी आदमी ब्लड डोनेट करता है वो जो कैंसर के सेल्स हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं, और कैंसर की बीमारी जो है वो बहुत कम ही होती है जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं। और आए दिनों हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के, गायनी के पेशेंट, कितने ही इमरजेंसी के पेशेंट आ जाते हैं, हमें ब्लड की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि रियासी से, पुंछ से, ये एक बहुत बड़ी बेल्ट है जो मेडिकल कॉलेज रजौरी के ऊपर डिपेंड रहती है, और लोग काफ़ी फ़ोन करते हैं ब्लड डोनेट कर ब्लड देने के लिए। पर मेरी उन लोगों से ये अपील रहेगी कि जितना भी हो सके ब्लड डोनेट करो, ताकि हम अपनों की जान जो है टाइम पर बचा सकें। और काफ़ी रेयर ग्रुप होते हैं कुछ जो हमारे उस वक्त अवेलेबल नहीं होते, हमें इन सेना की वजह से जो है हमें वो अवेलेबल हो जाते हैं, पर फिर भी मेरे ये लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना भी हो सके ब्लड डोनेट करो, ताकि हम अपनों की अपने प्यारों की जान जो है टाइम पे बचा सकें। ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ब्लड डोनेशन कैंप, हम आर्मी के बड़े मशहूर हैं, खासकर जो है कर्नल साहब के जो CO साहब हैं उन्होंने यहाँ ये ऑर्गेनाइज किया ब्लड कैंप। ब्लड कैंप की ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ से पब्लिक अवेयरनेस होती है। आमतौर पर पब्लिक में मिथ होता है कि ब्लड डोनेशन जो है इससे शायद कोई नुकसान होता है या कुछ है, ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करने से पब्लिक को समझ आ जाती है कि नहीं, अगर ये ऐसा कुछ होता तो आर्मी वाले जो ऐसे नौजवान हैं वो ऐसे फ्रंटियर अपने आप को जो है क्यों अपने आप को पेश करते और ब्लड डोनेट करते। ब्लड डोनेशन से ये होता है कि जो है यहाँ ब्लड बैंक है मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ ब्लड जो है वाफिर काफ़ी मकदार में जो है वो अवेलेबल हो जाता है। डिपार्टमेंट इसको हैंडल कर रहा है वो इरीगेशन है, और इरीगेशन वाले आते हैं चक्कर लगा के, उल्टी बस बात दो चार बातें करेंगे अपना निकल जाएंगे। पहली बात है वो किसी से बात ही नहीं करते, मिलते ही नहीं हैं।
आज से नहीं है, ये कोई एक साल दो, आप देखेंगे कि नहर के ऊपर इतने बड़े बड़े पेड़ जो हैं नहर के अंदर में हैं, जो एक दो साल के नहीं है, कम से कम 20-20 पुराना पेड़ है। तो वह एक साल या 6 महीने में तो ऐसा नहीं हुआ, 20-20 साल पुराना पेड़ है जो नहर के अंदर है, किसी ने देखा ही नहीं। और वो प्रत्यक्ष आप सामने जाके देखिए, आपको सब सामने दिखेगा, पीछे से नहर ही गैप है, आगे रिपेयर कर रहे हैं, पता नहीं 31 मार्च के चक्कर में, बिल निकालने के चक्कर में, अपनी इनकी मिली वक्त है। बाकी हम किसी दूसरे को दोष नहीं देंगे, रविंदर रैना जी को नहीं देंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, उन्होंने बहुत कुछ किया है इस इलाके के लिए, हमारे संगीता मैडम जी हैं, बहुत ऐसे जो कुछ है नीचे है गड़बड़, ऊपर किसी को कोई दोष नहीं है, हम किसी को कोई दोष नहीं देते, उन्होंने बहुत कुछ किया है। जो उन्होंने सेंटर की स्कीमें लाई हैं वो कौन देख रहा है कि इतना, तो हर बंदा प्रधानमंत्री जी बोलो कल आके दंदानी में आके नहर देखेंगे, वो थोड़ा देखेंगे, वो तो नीचे वाला डिपार्टमेंट देखेगा, ये लोग देखेंगे, ये उनको बताएंगे हम क्या कर रहे हैं। वो तो अपनी तरफ से बहुत कुछ भेज रहे हैं, लेकिन नीचे सब डिपार्ट जो कमजोरी है ये इरीगेशन डिपार्टमेंट की है, बाकी किसी की कोई दोष नहीं है। और जहाँ छोटा मोटा ये आपस में ये ठेकेदार ठूकदर करके मिलके करते होंगे कुछ, नहीं तो ऐसे तो जो देखो परसों यहाँ यही साहब आए, यही साहब पढ़े लिखे हैं, आप बताओ कि पीछे नहर ही गैप है और आगे से आगे आप रिपेयर कर रहे हो, पीछे नहर ही नहीं है, इसमें वो कैसे पानी लाएंगे, या तो बाल्टियाँ भर के आगे इसमें चलाएँगे डालेंगे, या कोई टैंक ला के बस ये बनी हुई है 20-30 मीटर इसी में पानी चलेगा। तो इसलिए विनती है आपसे, इरीगेशन डिपार्टमेंट से और जो ऊपर ऊंचे अधिकारी हैं उनसे विनती है हमारी कि इसको ग्राउंड लेवल में आइए और देखिए क्या परेशानी है, ऐसे मत ठेके दीजिए और 31 मार्च के अपने बिल्लू के चक्कर में हमारी तबाही मत कीजिए। हिमानी फोन कर रही है, नहीं लगाई दोनों था, फिर बोल रही यहाँ रुक, और इसको नहीं लगा सकते आज तक, समझते नहीं, मीनाक्षी रुक यहाँ पे, चली गई बस, तू चाय यस, कौन सी वैक्सीन लगी है आपको पता, चाबियां ली दोनों, सुनो वो क्या वो वैक्सीन नहीं, कॉर्बीवैक्स, कॉर्बी वैक्स, कॉर्बीवैक्स, चलो आप चलो नहीं, सेंड करी वीडियो, ये गलत में किरण ने जो दफ्तर आ रहे आंदा है, आंदा पूरा देख सही ना। My name is Neha and I read in 7th class from school name is Government Girl High School गांधीनगर जम्मू। तो आज मैं बताऊंगी हम इधर क्यों आए, हम आए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में, तो इधर हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें वैक्सीन लगेगी, पहले तो हमें स्कूल में आने नहीं दे रहे थे, कहते हैं हमारे पेरेंट्स कह रहे थे कि कोरोना वायरस चल रहा है तो आपको स्कूल में नहीं जाना है, हमें अलाउ ही नहीं कर रहे थे, कहते नहीं जाना है, कहते आपके अभी वैक्सीन नहीं आई है, तो हमने सोचा काश हमारे मोदी जी हमारे लिए भी कुछ सोचते, हमारे लिए भी वैक्सीन लाते, तो थैंक गॉड मोदी जी ने भी हमारे लिए वैक्सीन लाई है, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी, हमारे लिए वैक्सीन आई है और उनकी वजह से अब हम स्कूल जा पा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने अलाउ किया है स्कूल जाने के लिए, थैंक यू वेरी मच मोदी जी। सारे उतर गए थे सर CRP दे सर आज का स्वागत योग्य कदम जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने उठाया,
उसको लेकर के करने का प्रयास करना चाहता हूँ। अब किताब चाहिए, हिजाब नहीं चाहिए, अब पढ़ाई चाहिए, अब IAS बनने की व्यवस्था है, इंजीनियर बनने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अंदर बेटियां कैसे पढ़ पाएं, कैसे आगे बढ़ पाएं, कैसे आगे निकल पाएं, उसके विषय के अंदर विचार होना चाहिए, ना कि मुझे हिजाब पहनना है या मुझे कोई और ऐसी वेशभूषा डालनी है जिसके माध्यम से मैं अपने आप को दर्शाने का प्रयास करूं। मैं ना दर्शाऊं मैं कौन हूं, लेकिन मैं ये जरूर दर्शाऊं कि मैं IAS IPS बनूंगा। और उस ढंग से जो बेटियां हिजाब की बात करना चाहती हैं, आज उसको कर्नाटका हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मुसलमानों के धर्म के अंदर कहीं नहीं लिखा गया। और ख़ास करके स्कूल के अंदर, जब आप स्कूल के अंदर जाएं, स्कूल के अंदर क्लास में बैठें, तब हिजाब नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको अधिकार है, आप अपनी धार्मिक परंपरा के अंदर कैसे भी रहने का प्रयास कर पाएं वो आप करते रहें, लेकिन स्कूल की यूनिफॉर्म के अंदर हमको यूनिफॉर्म पहन करके आना है, वहाँ के शिष्टाचार को पहनना है, शिष्टाचार को अपनाना है, और वहाँ के तौर तरीकों के अंदर कोई धार्मिक उन्माद हमको फैलाने का प्रयास नहीं करना होगा। इसलिए हाई कोर्ट के निर्णय के अंदर हम लड्डू बांट रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और ये निर्णय पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू हो ताकि ये जो उन्माद फैलाने की बातें हैं इसका समाप्तिकरण हो पाए और एक अच्छी राह पर शिक्षा के ढांचे, शिक्षा के स्कूल अच्छे ढंग से पढ़ाई कराने का प्रयास कर पाए। धन्यवाद, आपका शुक्रिया। पैसा पहला तो मैं तुसें दा बड़ा मान करना हाँ कि जो मीडिया सानू साड़ी पूरी फुली मदद हर जगह सानू उची आवाज नाल बुलंद कर रहा और साडा साथ दे रहा है। बाकी साडा हक है जिहड़ा सानू मिलना चाहिए, गवर्नमेंट साड़ी फुली मदद करना चाहती है। जिस तरह कि जितेंद्र साहब ने बोलिया, जुगल किशोर ने बोलिया, इसे चले असं LG अगे फरियाद करने कि साडा हक कोई ऐसी पॉलिसी जल्दी तैयार कर जेडे असं रोज़ रोज़ धरने करने, इस तू साडा भी छुटकारा हो जाए, कारोबार च कोई फर्क ना पवे, तो असं हर चलिए अपनी कामयाबी हासिल करिए। किसान इन्नी चिर असं 22 साल तो सफर कर रहे हैं, इन्ने परेशान हाँ कि हद कुल ज्यादा साढ़े बच्चों की बड़ी माली हालत, किसी बच्चे की फीस नहीं पूरी, किसी का कपड़ा नहीं पूरा, किसी की कोई परेशानी है, किसी की कोई परेशानी है कि ना ये सानू 1750 रेट देंगे ने सा गुजारा नहीं। इस करके असं सरकार को कहना चाहते हैं कि साडा हक पूरा देन, साडी नौकरी पक्की करन, साडी जो ड्यूटी का एक्ट है वो मुताबिक सानू पूरा साडा राइट मिलना चाहिए। असें यही साड़ी इन्हें फरियाद है कि साड़ा पूरा हक देन। महिला विंग का जो एक यूनिट यहाँ पे शुरू किया जम्मू और कश्मीर में, हर डिस्ट्रिक्ट में हम महिला विंग की जो टीमें बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वगैरह बना रहे हैं, वार्ड के ब्लॉक के, आज जितनी लेडीज़ आई थी इनको हमने कुछ अपनी अपनी जिम्मेवारी दी ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो लोग पार्टी गरीबों के काम के लिए आगे आई थी, तो गरीबों के काम जो हो रहे हैं इसीलिए लोग जो दिन ब दिन लोग हमारी पार्टी का दामन पकड़ रहे हैं, हम यही भरोसा करते हैं जो लेडीज़ को हमने जिम्मेवारी दी ये बड़ी इज्जत मान से हमारी पार्टी का नाम रोशन करेंगी और गरीब लोगों का हमेशा साथ देते रहेंगे, क्योंकि ये लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं, गरीबी गरीब लोगों ने गरीबी देखी हुई है, तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी लोग इनकी पार्टी गरीबों के
हौसला और यकीन भरोसा बना के रखेगी। और यही हमारा जो दिन भर दिन, जैसे आप देख रहे हो कि जहाँ गरीब गुरबत का मसला, गरीबी बहुत ज़्यादा है, यहाँ लोगों के लेडीज़ के पेंशन के मसले हैं, यहाँ महंगाई देखो कितनी ज़्यादा हो चुकी है, और नो कोई डेवलपमेंट का यहाँ कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, और जो बेरोज़गारी दिनों दिन बढ़ती जा रही, नौजवान जो हमारे बच्चे पढ़ियाँ लिखी बच्चियाँ जो घर में बैठी हुई हैं, हम यही चाहते हैं कि इनकी जो हेल्प की जाए, इनका कोई नौकरी का मसला है, इनका पेंशन का मसला है, वो हम इनकी हेल्प करते रहेंगे और इनके साथ चलते रहेंगे। आज ये लोग देखो आपने खुल के पार्टी का दामन पकड़ा, खुल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि लोग इनकी पार्टी जो चिराग पासवान जी हैं वो हमेशा गरीबों की मदद कर रहे हैं और गरीबों की आवाज़ सुन रहे हैं। हम जो नेक्स्ट चिराग पासवान जी को जम्मू कश्मीर लाने का दौरा करवाएंगे और इन लोगों के साथ मुलाकात करवाएंगे और जो हालात यहाँ के वो बताएंगे हम उनको। कल रात में पुलिस को खबर मिला था कि सुन्नीगांव के जो आउटस्कर्ट है नौगांव में, वहाँ पर 3-4 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते हैं, रात में 2 बजे फायरिंग शुरू हो गया। ऑपरेशन को पहले रोक दिए, सिविलियन को घर से बाहर निकाले और अभी ऑपरेशन ओवर हो गया, जिसमें लश्कर तोबा के 3 टेररिस्ट मारे गए और 1 AK-47 2 पिस्टल मिला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो 10 दिन पहले खुनमो के सरपंच समीर अमर भट्ट साहब का किलिंग हुआ था, उसमें 3 टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था। ये आइडेंटिफाई हुआ है आदिल तेली कहकर और दूसरा साकिब है तांत्रे सोपियन का, तीसरा मौसली उमर तेली है और उसकी फैमिली को बुला रहे हैं। तीनों लश्कर तोबा का लोकल टेररिस्ट है और तीनों PRIs जो PP जो होते हैं सरपंच पंच पर बार बार अटैक करते रहते हैं। और ये बहुत बड़ी पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो जितनी अटैक में हैं, जैसे कुलगा में सरपंच को मारा गया तो उसके सारे मॉडल को मतलब बस करके अरेस्ट कर लिए हैं, रिकवरी हो गया है। CRP वाले को मारा उसको मतलब पकड़ लिए हैं, उसको अरेस्ट कर लिए हैं, रिकवरी हो गया, वेपन्स हो गया है। चाहे बडगांव वाला जो किलिंग था आर्मी के जवान का हो गया, और अभी ये बाकी था खुनमु के सरपंच वाला, ये भी सॉल्व हो गया है। बिल्कुल पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस ठीक से चले, ग्रास रूट पर डेवलपमेंट नहीं हो, इसलिए सरपंच पंच को जो सॉफ्ट टारगेट है इस पर टारगेट इसको अटैक किया करवा रहा है लोग। लेकिन हम लोग भी मुंह तो जवाब दे रहे हैं और आइडेंटिफाई के इसको इन्वेस्टिगेट करके पकड़ रहे हैं, इसको PSA लगा रहे हैं और कुछ को इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इधर 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 सर बताइए, जो आपने वार्ड नंबर 9 में 5 सेंटर में विजिट किया, आंगनवाड़ी सेंटर में क्या क्या देखा? देखिए आज मैंने मेरे वार्ड के अंदर जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर थे, सबसे पहले मैंने विजिट किया, जितने भी मेरे सेंटर थे मैं चेक किया कि जो भी हमारे बेनिफिशियरी बच्चे हैं जो, क्या उनको न्यूट्रिशन डाइट क्या मिल रही है कि नहीं मिल रही। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर मेरे वार्ड के, सभी को मैंने बोला है कि जल्द से जल्द अपने जहाँ भी मेरे सेंटर हैं वार्ड के अंदर, सभी बाहर अपने आंगनवाड़ी सेंटर का बोर्ड लगाए, उसमें अपना नाम और हेल्पर का नाम, जो वर्कर है उनका नाम, और हर आंगनवाड़ी सेंटर के बाहर बोर्ड लगा होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर है। दूसरा मैं आपके माध्यम से जो हमारे इलेक्टर वोटर साहब है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी रिजोरी के अंदर आंगनवाड़ी सेंटर है इनको थोड़ा मॉडर्नाइज किया जाए और इनको फैसिलिटी और दी जाए, और बच्चों के जो न्यूट्रिशन के मामले में बिल्कुल कम्प्रोमाइज होना चाहिए, इनको अच्छी सी न्यूट्रिशन बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की मिलनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों का जो किसी तरह की कमी ना आए खाने पीने में, खाने पीने में। तो और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरी और भी कोशिश रही है कि जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर है इनको मेरी तरफ से अपने फंड में से जो भी होगा वो भी मैं करूँगा, इनको अपनी हेल्प करूँगा। तो जो हमारे यहाँ मैडम जी भी साथ हैं, तसीम मैडम जी भी, और आंगनवाड़ी से वर्कर हमारी सुनंदा जी, रेणु जी, चंचल जी, सभी यहाँ पर मौजूद हैं अभी, और बाकी के सेंटरों में मैं भी जा रहा हूँ, आप मेरे साथ ही थे जितने मैं विजिट किया मैंने। और आगे मेरी कोशिश रहेगी जितने मेरे आंगनवाड़ी सेंटर है मेरे वार्ड के अंदर उनको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जाए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा है जो हमारी पेंडिंग लाइबिलिटी है। पहले तो हम मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी टाइम टू टाइम आवाज़ बचाई, जिसकी वजह से सरकार को मानना पड़ गया कि इनकी डिमांड जेन्युइन है। डिमांड हमारी है कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड डी एरियर, जिसमें VRS एम्प्लाइज, GHS एम्प्लाइज एंड रिटायर एम्प्लाइज। ये जो पैसा था ये तकरीबन 20-22 साल का एरियर था,
क्योंकि कॉरपोरेशन से जो एम्प्लॉइज रिटायर होता है उसका पेंशन बेनिफिट नहीं है, उसको कोई पेंशन बेनिफिट नहीं मिलता। यही जो एरियर्स होते हैं इन्हीं पर उनका दारोमदार होता है, ये भी सरकार सालों लगा देती है देने में के लिए, वो भी बड़े धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं तब जाकर बिल बनते हैं। आप बिल स्टेटमेंट बनकर भी सेक्रेटरी में चली गई है, हम चीफ सेक्रेटरी साहब को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से और फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये अपील करते हैं, ये जो हमारा पैसा है रिटायर एम्प्लॉइज का वो विद इन डेज का रिलीज़ किया जाए, क्योंकि अब सेंटर से भी पैसा बहुत आया है, पहले भी पैसा आता था, आज आया है इतना बहुत ड्यूटी सरकार के मुताबिक। तो इसलिए हम इनसे अपील करते हैं कि जो हमारा जो एरियर है, हमारा जो पैसा है, हमारी जो प्राइमरी लाइबिलिटी है उसको रिलीज़ किया जाए। धन्यवाद। इनकेस अगर ये पैसा रिलीज़ नहीं करता तो आने वाले दिनों में आपका क्या कदम रहेगा? हाँ, हम देख रहे हैं ये 31 मार्च तक, क्योंकि हमने सुना है कि 31 मार्च तक इनका जम्मू कश्मीर का बजट लग रहा है, अगर ये बजट में हमारा पैसा नहीं रखते तो फिर हम इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दें जैसे हम पहले करते। अब हमने 2 महीने रोका हुआ है क्योंकि हम ये थे, ये बिल बांध रहे थे, हम बिलों में लगे हुए थे, बिल बांध के सेक्रेटरी में चले गए। तो अगर 31 मार्च तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर हमारे बिल स्टेट में हमें कुछ नहीं मिलता, हमारा पैसा नहीं रखते, तो फिर हम सीधा फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, या इनके ट्रांसपोर्ट दफ्तर के ऑफिसर को घेरेंगे या इधर प्रोटेस्ट करेंगे। मैं बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल सुरनपुर से आया हूँ और मैंने वैक्सीनेशन किया यहाँ पे, आज आके सब आके यहाँ पर अपनी वैक्सीनेशन करें। मेरा मकसद क्यों है, मैं इलेवेंथ स्कूल से ही मुझे हमें यहाँ पे वैक्सीन के लिए बुलाया गया है और सब पेरेंट्स जितने भी हैं सब पेरेंट्स आके यहाँ पे अपने बच्चों को लाएँ और वैक्सीन करवाएँ। और क्योंकि संसद की प्रक्रिया चल रही है इसलिए समय है कि इस बिल को लाया जाए, इस पर काम किया जाए और एक कानून बना के बहुत अधिक आवश्यकता है। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आप ये बात सरकार तक और हमारे पार्लियामेंट्री बताएं कि एक बार दोबारा पहुंचाए, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्या? प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य कल संसद में आया, इसमें उन्होंने ये कहा कि जो झूठ पिछले कई सालों से छुपाया गया उसको बाहर लाने की कोशिश एक प्रोसेस है, और जो जिस झूठ के बारे में मंत्री जी बात कर रहे थे उस झूठ को हम झुठला रहे थे पिछले 32 साल से, आपके माध्यम से सबको ये बता रहे थे कि जो कश्मीर में हुआ वो त्रासदी जो आजकल कश्मीर फाइल्स फिल्म के द्वारा दिखाई जा रही। तो हमारा ये कहना है आपके माध्यम से कि बनून कश्मीर ने आज से 3 साल पहले यानी 28 दिसंबर 2019 को एक बिल अडॉप्ट किया था, आपके माध्यम से सबको भेजा हुआ था, जो प्रधानमंत्री जी के पास है, सब सांसदों के पास है, जितने भी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यहाँ यूटी में आए उनको दिया गया है, जितने भी जो भी कानून बनाने वाले व्यक्ति है इस देश में उनको पेश किया गया, और वो बिल जो प्रिवेंशन ऑफ एंड एट्रॉसिटीज ऑन जो जूनासाइड हुआ है उसको प्रिवेंशन के लिए वो जो बिल बनाया गया उसको अडॉप्ट करने का सही टाइम, इनफैक्ट डिले हो रहा है इस देश में। जब से ये आज़ाद हुआ है तब से इस देश में एक ट्रेजिडी ये है कि इन सारे क्राइम्स को रोकने के लिए इस देश में कोई कानून नहीं बना, और जो है हमारी बिल है ये एक एप्ट रिस्पॉन्स होगा, इसको अडॉप्ट किया जाए संसद के द्वारा और कॉन्स्टिट्यूशन में इसे मिलाया जाए, और उस एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई हो जिससे जिन्होंने ये क्राइम किया है, जिन्होंने ये जघन्य अपराध किए हैं उनको सजा मिले, और जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी है, डिस्ट्रेस्ड कम्युनिटी है, उनको उसका उससे फायदा। थैंक यू। क्या हाल जी सर, अपने नाम से शुरू करें और जो एक्सीडेंट हुआ उसकी जानकारी दें। मेरा नाम रोहित कुमार है, हाईवे की ड्राइवर है, एम्बुलेंस को गाड़ी वाड़ी वहीं खड़ी थी जब एक्सीडेंट हुआ था, टेम्पल ने टर्न करना था, टेम्पो स्पीड में था, पीछे कितने बंदे थे सारे? ग्यारह बंदे 8 घायल है, बाकी वहाँ पे ही है, वो ठीक है। डंपर वाला कहाँ पे है? डंपर वाला यूज़ है, टेंपो यूज़ है। पुलिस मौके पे पहुँची? पहुँची।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर श्रीनगर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान एक झड़प शुरू हुई है। झड़प में 3 लश्कर ए तैयबा के मिलिटेंट जो है वो मार गिराए गए। लेकिन एजीपी कश्मीर के बयान के मुताबिक जो हाल ही में सरपंच की किलिंग हुई है उसमें इन मिलिटेंट्स का हाथ बताया जा रहा है। लेकिन नाजीन हम आपसे ये भी शेयर करते जाएंगे क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलने के बाद श्रीनगर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और सीआरपी अपने पूरे नवगाम एरिया को कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन में लिया, जो कि बाद में एक फाइट में तब्दील हुआ जिसमें 3 लश्कर ए तैयबा के जो मिलिटेंट है वो हलाक हुए हैं। लेकिन आईजीपी कश्मीर के मुताबिक जिस तरीके से वहां पर आर्म्स एंड एमिनेशन रिकवर भी किया गया, 3 अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स को भी वहां से मार गिराया गया। लेकिन आईजीपी कश्मीर के मुताबिक वहां पर जो मिलिटेंट हलाक किए गए हैं उनके कब्जे से हथियार गोला बारूद भी बरामद किया गया और वो समीर अहमद नामी सरपंच की किलिंग में भी मुलविस है। आप बने रहे जेके न्यूज ब्रेक के साथ, हम आप तक ताजा तरीन तफसीलात पहुंचाते रहेंगे। इसी वादे के साथ दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।